सीबीएसई बोर्ड ने 10th और 12th का जो है परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। क्या ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मखदुमपुर में 11th में नामांकन शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आपको कि सीबीएसई ने 13 मई 2024 को क्लास 10 और 12 दोनों का रिजल्ट आउट कर दिया है। उसके बाद से ही हमारे यहाँ नामांकन क्लास 11th के लिए प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें जो भी बच्चे नामांकन कराना चाहते हैं क्लास 11th में, हमारा ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल पल्या मखदुमपुर में साइंस और कॉमर्स दोनों स्ट्रीम है, दोनों स्ट्रीम में बच्चे जिस स्ट्रीम में पढ़ने की इच्छा हो वो अपना नामांकन करा सकते हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में 90% से ऊपर अंक लाए हैं उनके लिए स्कूल मैनेजमेंट उनके 11th के फीस में स्पेशल डिस्काउंट देगा। किसी भी स्कूल का या फिर आपके स्कूल से जो पढ़े किसी भी स्कूल का बच्चा हो, सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे बिहार बोर्ड का हो, 90% से ऊपर जो क्लास 10th में अंक लाए हैं उनको विद्यालय परिवार की ओर से 11th के फीस में विशेष छूट दी जाएगी। साथ ही साथ मैं और बताना चलूँ, हमारा एक और स्कूल जहानाबाद में है, एना पब्लिक स्कूल हाजीपुर जहानाबाद, वहाँ भी 11th का नामांकन स्टार्ट है, वहाँ भी साइंस और कॉमर्स दोनों स्ट्रीम है। आप जो जहाँ चाहे मखदुमपुर चाहे जहानाबाद में, दोनों स्कूल में कहीं भी नामांकन जो बच्चे इच्छुक हैं वो अपना करा सकते हैं। जल्द से जल्द नामांकन करा लें क्योंकि सीट सीमित है। और वहाँ भी बच्चों को जो 90% से ऊपर अंक लाए हैं उनके लिए उनके फीस में स्पेशल डिस्काउंट दी जाएगी। मखदुमपुर में आपका स्कूल टॉपर रहा है, अब तो स्पष्ट भी हो गया है क्योंकि अब सारे रिजल्ट जो है सामने आ गए हैं, कितना खुशी का ये बात है। बिल्कुल ही हर्ष का माहौल है, हमारा स्कूल जब से फ्रेशन हुआ है मखदुमपुर स्कूल का एक अच्छा रिजल्ट देते आ रहा है, 100% रिजल्ट है हमारा। और जो जो यहाँ का जो टॉपर है अमन कुमार है जो 95% लाया है। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको बताते चलूँ, जहानाबाद जिले का एक और स्कूल हमारा है एना पब्लिक स्कूल हाजीपुर जहानाबाद, जो सीबीएसई प्लस टू तक मान्यता प्राप्त है, वहाँ का बच्चा शुभम कुमार 97.5 लाख के, और वो अभी आपका जिला टॉपर है क्लास 10th का।